Seventh students, how are you all? I hope you are well at home. I am your new science teacher, Mrs. Anju Samwal. Okay, now today we will learn subject science, chapter 6. In this chapter, we will learn about physical and chemical changes. Okay, first physical changes. आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में. अ चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस के केवल फिजिक में चेंज होता है, उसके बॉडी में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. उसके साइज में, उसके शेप में चेंज होता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी सब्सटेंस की? जब उसके शेप में, साइज में, कलर में या फिर स्टेट में चेंजेस होते हैं. ओके, तो स्टेट से यहाँ पे मतलब है वाटर की हमने पढ़ी है, थ्री स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस स्टेट. तो जब उन तीनों में चेंजेस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इस वाटर की स्टेट. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल हम बात करेंगे फिजिकल चेंज के. स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. ओके, लुक एट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे ये स्प्रिंग है. अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो आप देखेंगे ये कितना लॉन्ग हो जाता है. लेकिन अगर हम इसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में रखते हैं तो आप देखेंगे ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से आ जाता है. तो इस चेंज से आप क्या समझते हैं? जो इसमें चेंजेस हुआ है, इसके केवल साइज में चेंज हुआ है, देखा आपने. लेकिन हुआ क्या है, दोबारा से ये अपने ही पुराने वाले फॉर्म में आ जाता है. इससे हम समझते हैं कि इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बना. नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म. ओके, इससे इसमें कोई न्यू सबस्टांस नहीं बना है, ये पहले जैसा ही है. केवल किसमें चेंज हुआ है? इसके शेप में, इसके साइज में चेंज हुआ है. ओके, तो ये आपका एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है फिजिकल चेंज का. और दोबारा एक हम एक और वर्ड पढ़ेंगे इसमें. जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है. ओके, रिवर्सिबल हम किसे कहेंगे? कि दोबारा से वो हमें अपने पुराने वाले स्टेट में मिलता है. जैसे रिवर्सिबल के बाद अगर हम करेंगे तो पहले आपने देखा ये पहली स्टेज है, तो दोबारा अगर हम इससे स्ट्रेच करते हैं और दोबारा हम इसे, आप देखोगे कि दोबारा ये अपनी ही पुराने वाली स्टेज में आ जाता है. तो इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज. ओके, लेकिन इससे हमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, टियरिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर इंटू पीसेस. ओके, तो आप देखेंगे अगर हम जो पेपर है इसको हम फोल्ड करते हैं. ओके, जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसके केवल साइज और शेप में चेंजेस हुए हैं. ओके, और इसके अलावा इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है. और इसकी जो ओरिजिनल, हम इसे दोबारा से इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं ना, तो ये इसकी ओरिजिनल स्टेट होती है. और अगर हम इसे दोबारा चेंज करते हैं तो ये इसकी चेंजेस स्टेट होती है. लेकिन इसमें हमें कोई न्यू सबस्टांस मिलता है? नो, नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म. किसी भी तरीके का कोई न्यू सबस्टेंस नहीं फॉर्म होता है. ओके, सेम इसी तरीके से अगर हम पेपर के पीस करते हैं. ओके, अगर हम टियरिंग ऑफ पेपर के, अगर हम पेपर के पीस करते हैं, अब आप देख रहे हैं अगर हम पेपर के पीस करते हैं तो अभी इसमें क्या हुआ है? पेपर के पीस करने पे आप देख रहे हैं कि ये पेपर है, ये हमें फोर पार्ट में डिवाइड किया है.
पेपर तो हमने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन आप अब देखोगे कि इसके फिजिकल में क्या चेंजेस हुए, इसका साइज और शेप चेंज हो गया है। लेकिन ये क्या है, पेपर, ये पेपर है, हम इसे ओरिजिनल स्टेट में तो ला सकते हैं, लेकिन परफेक्ट ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे गम से ठीक है चिपका दें तो हम इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन इसका जो चेंज है, इसमें हमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म तो नहीं हुआ, कोई न्यू सबस्टेंस हमें नहीं मिला है। ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ा फिजिकल चेंज के बारे में। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। आप देखोगे कि बर्फ जब पिघलती है और दोबारा से पानी का हम दोबारा से उसको आइस बना सकते हैं। ओके, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज। ओके, चेंज ऑफ वाटर इंटू स्टीम, पानी का भाप में बदल जाना और भाप से दोबारा से हमें पानी का मिल जाना, लिक्विड स्टेट प्लस गैस स्टेट। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड डिजॉल्विंग ऑफ शुगर सॉल्ट इन वाटर, पानी में शुगर का मिल जाना, घुल जाना, या फिर सॉल्ट का घुल जाना। ओके, एंड हीटिंग ऑफ टिप ऑफ ब्लेड फॉर सम टाइम व्हेन इट कलर चेंज। ओके, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बल्ब का क्या हो जाता है, कलर चेंज होता है, हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका फिजिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज थी। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस। ओके, दीज आर द चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल जो चेंज होता है उसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, जैसा हमने पढ़ा कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें कोई न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है, लेकिन केमिकल चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम इस पेपर को जलाते हैं तो अगर हम इसे जलाने के बाद हमें ये पेपर दोबारा से ऐसा ही मिल जाएगा, नो, दोबारा से हमें, ये इसके ओरिजिनल स्टेट है, हमें दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में पेपर नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कि जो इससे मिलेगा, ऐश मिलेगी, राख मिलेगी, तो हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा। तो हम अब हम देखते हैं इसे बर्निंग ऑफ पेपर को, अगर हम जलाते हैं तो इसमें उसकी केमिकल स्टेट में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ओके, आप देखेंगे कि जिस तरीके से पेपर आप देख रहे हैं ना, पेपर के जलने से ऐश दिखाई दे रही है, ये ऐश है, ठीक है, तो इसमें हमें इसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिल रहा है, ये इससे न्यू सब्सटेंस क्या हो गया, फॉर्म हो गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि जब हम पेपर को जला देते हैं तो हमें इसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं मिल पाती है, तो इसकी हमें एक न्यू स्टेट ऐश मिलती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो केमिकल चेंज होता है, जो केमिकल चेंज होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है और केमिकल चेंज होता है उससे ये इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, यानी कि हम दोबारा से, अब आप देखेंगे कि ये ऐश है, इससे हम दोबारा से पेपर बना सकते हैं, नो, इसे हम दोबारा से पेपर नहीं बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।